जिला निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा। वो भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गौरी शंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और है कि जब तक ये कलेक्टर बालाघाट में हैं, तब तक चुनाव प्रभावित होने की पूरी पूरी संभावना है और तत्काल प्रभाव से जो है कलेक्टर हैं इनको निलंबित किया जाए। चुनाव देखिए, वीडियो जो बनाया गया है उसमें जो जानकारियाँ दी जा रही हैं, जो क्लेम किए जा रहे हैं वह भ्रामक है। तहसील ऑफिस में किसी भी प्रकार के पोस्टल बैलेट को न तो खोला गया है, न छेड़ा गया है, न काउंटिंग की गई है। ये जरूर है कि विधानसभा वाइज सॉर्टिंग की जा रही है। देखिए, वीडियो जो बनाया गया है उसमें जो जानकारियां दी जा रही हैं, जो क्लेम किए जा रहे हैं वह भ्रामक है। तहसील ऑफिस में किसी भी प्रकार के पोस्टल बैलेट को न तो खोला गया है, न छेड़ा गया है, न काउंटिंग की गई है। ये जरूर है कि विधानसभा वाइज सॉर्टिंग की जा रही थी। जिस जो स्ट्रांग रूम तहसील में बना है वो 1:29 पर खोला गया था और फ़ोन द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को सूचना दी गई थी। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी उपस्थित थे जब स्ट्रांग रूम खोला गया था। उनके समक्ष शॉर्टिंग की गई और स्ट्रांग रूम सीलिंग के टाइम पे भी पंचनामे में उन सभी के हस्ताक्षर हैं। और जो स्ट्रांग रूम के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, 1 छक्का गार्ड, CCTV, ये सारे लगे हुए हैं, वर्किंग कंडीशन में है। तो जो वीडियो है उसमें भ्रामक जानकारी है। सर, जो राजनीतिक दल को जो सूचना दी गई थी वो 3 बजे की दी गई थी, लेकिन स्ट्रांग रूम जो है वो पहले खोला गया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी समझ में तो आई थी। जो RO ने निर्देश निकाले थे वो ETPVS के लिए था कि डेली जो है 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, और उसी निर्देश के परिपालन में पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित होते रहे हैं। जो कल की घटना है उसमें 1:29 पर खोला गया, वो ARO पोस्टल बैलेट द्वारा खोला गया है और उसकी सूचना फ़ोन के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को दी गई, जो कि पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम में हमेशा से आते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा प्रीपोन था। यही रिपोर्ट आयोग को हम लोगों ने भेजी है और उस पर आयोग ने संज्ञान लिया। 27 नवंबर को तहसील कार्यालय के अस्थायी स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर का मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस घटना के बाद इस पर सवाल खड़े पर खड़े कर रही है। हालांकि स्ट्रांग रूम के निर्धारित समयावधि से पहले खोल लेने के चलते ARO पोस्टल बैलेट हिम्मत सिंह भवेदी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मीडिया में बैलेट पेपर स्ट्रांग रूम की जानकारी नहीं होने के बयान सामने आने के बाद कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने घटनाक्रम को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगाते हुए साफ कर दिया है कि यदि मतगणना में किसी प्रकार की छेड़खानी या गलत प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो उनकी नौकरी तो जाएंगी, इसे रोकने में यदि मेरी जान भी जाती है तो इसकी जवाबदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी। कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने कहा कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत डाक मतपत्र स्ट्रांग रूम में भाजपा प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन के भतीजे शरद बिसेन, उनके चहेते KG बिसेन और खासम खास चंदेला को वहां पर रखा गया था, इसका जवाब हमें जिला निर्वाचन अधिकारी दे। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष मतगणना होनी चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है, लेकिन बालाघाट जिला जो है यहाँ पर हमारी पूरी संभावना है कि हम 6 की 6 सीट जीतने जा रहे हैं। और बालाघाट विधानसभा, तो आप सभी जान रहे हैं कि बालाघाट विधानसभा को लेकर जो हमारे कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर बिसेन जी शुरू से दहशत में है। इसके पूर्व में आदरणीय भाभी ने बताया कि 2013 के चुनाव में किस तरह से गड़बड़ी की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये सब आशंकाएं हैं, एक डर है भारतीय जनता पार्टी के मन में और वो चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है वो इस तरह के मामले लगातार सामने में आ रहे, क्या लगता है? क्या लगता है कि ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रशासन उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एक अगर तहसीलदार को निलंबित किया गया है, तहसीलदार को, तो निलंबित करने के पीछे कारण तो होगा, कहीं ना कहीं लापरवाही को उन्होंने स्वीकार किया अपनी कि लापरवाही हुई है, इसलिए उनको निलंबित किया है। तो आप सभी देख रहे हैं सारी चीजों में, हम आपको भी आपके सामने भी सारी चीजें रख रहे हैं। सिर्फ तहसीलदार को सस्पेंड करने को लेकर कांग्रेस क्या संतुष्ट हो गई है? कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है। तहसीलदार पर जो कार्रवाई है उससे हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है कहने का मतलब इस पे बड़ी कार्रवाई होना चाहिए।
और हमने प्रदेश स्तर पर इसकी शिकायत की है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी शिकायत की है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को इसकी शिकायत की है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब तक ये कलेक्टर बालाघाट में है तब तक चुनाव प्रभावित होने की पूरी पूरी संभावना है और तत्काल प्रभाव से जो है कलेक्टर हैं इनको निलंबित किया जाए, चुनावी प्रक्रिया से हटाया जाए। स्टेट मतपत्र इशू करने में बहुत लापरवाहियां की गई, जिसको भी हमने जोर शोर से उठाया और इसका ज्ञापन भी हमने दिया, बावजूद इसके अभी तक इस चीज को लेकर कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही को दर्शाता। किस वक्त की बात है? आज लगभग टाइमिंग क्या थी? हमें 9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास की घटना है। हमारे अध्यक्ष जी वहां पर गए थे अंदर में चेक करने के अधिकारियों के साथ में। ये बालाघाट जिले में इस तरह की गतिविधियां शुरू से देखने में आ रही है, दूसरे जिलों की अपेक्षा दिल्ली में कार्य कराया जा रहा था, तो क्या ये इससे आप लोग देखिए हमारे जो प्रतिनिधि हैं, एक तो हमारी प्रत्याशी हैं और दूसरा जो है उनका अभ्यर्थी है, जो यदि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है या हमारी प्रत्याशी को सूचित किया जाता तो हम मानते हैं। नहीं, हमारी कांग्रेस की तरफ से तो चार अधिकृत किया गया। उस विषय पर कैसा था वो पोस्टल एक्चुअली में क्या था? वो या तो जो बिल्कुल बिल्कुल दबाव में काम कर रहे हैं तो स्पष्ट दिख रहा है, तो हम शुरू से बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं आपको। कलेक्टर के दो बयान आ गए उसमें, मुझे जानकारी नहीं दी गई, जब जिला निर्वाचन अधिकारी के बगैर एक पेटी भी नहीं हिलाई। अब आप खुद ही सोच लो कि कितनी बड़ी लापरवाही की, यदि जिला निर्वाचन अधिकारी खुद ये बोल रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं दी गई, तो ये सारा काम कर कौन रहा है और किसके इशारे पे हो रहा है? आप खुद ही इस चीज को अगर समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। अगर ऐसा जवाब दे तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो? हमारी मांग वही है जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने की है, वही हमारी मांग है कि जिला कलेक्टर का स्थानांतरण यहाँ से किया जाए, उनको चुनाव प्रक्रिया से हटाया जाए, जो भी दोषी अधिकारी है उन पे त्वरित कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए। सिर्फ एक तहसीलदार को हटा देने से हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम चाहेंगे कि जो भी, जैसे आज लाइट गोल हुई तो उसके पीछे जो भी दोषी अधिकारी है वो अपनी जवाबदारी ले, उसको तत्काल निलंबित किया जाए, क्योंकि आज ये घटना ही हो सकता है मतगणना के दिन भी ऐसी कोई घटना हो जाए तो ये तो संज्ञान में लेने वाली बात है, बड़ी बात है। और इसको हम जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है उनको भी हम ज्ञापन के माध्यम से सारी चीज सौंप रहे। हमारी कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से लगातार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, और जिसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण हमें कल देखने को मिला कि हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में तहसील ऑफिस में जो स्ट्रांग रूम है डाक पत्रों का, उसको बिना जानकारी दिए प्रत्याशी को, अभिकर्ता को, वो रूम खोला गया और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री गौरीशंकर बिसेन जी, उनके तीन तीन खास लोगों को वहाँ गिनती में बैठाया गया जो लिफाफों की गिनती कर रहे थे, जिसमें दो बिसेन सरनेम से हैं और एक कोई और अधिकारी हैं। और दूसरी बात, जब मैं वहाँ पे मौके पे मुझे शिकायत मिली और जब मैं वहाँ गई तो मुझे गोलमोल तरीके से जवाब दिया गया और सामान्य प्रक्रिया बताई गई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, वो भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गौरीशंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और इस तरह से वो काम कर रहे हैं कि साफ नज़र आ रहा है कि भाजपा को लाभ पहुँचाना चाहते हैं। आज सुबह फिर वही बात हुई कि सुबह 9:30 बजे लाइट गोल हो गई गणना स्थल की, जहाँ पे जो स्ट्रांग रूम है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र की मशीनें रखी हुई हैं गिनती के लिए मत पत्रों की, वो लाइट गोल हो गई और आधे घंटे तक लाइट गोल रही। अब सोचने वाली बात है कि निर्वाचन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया वहाँ चल रही है और उसमें आधे घंटे के लिए लाइट गोल हो जाना बहुत बड़े संदेह को जन्म देता है कि कहीं ना कहीं ये मतगणना को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। मतदान तो इनके पक्ष में नहीं हुआ है, ये अच्छे से जानते हैं, भाजपा जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही निश्चित रूप से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदारी से का निर्वाह करें, लोकतंत्र का गला घोटने का काम वो नहीं करें, और अगर वो ऐसा जरा भी करते हैं तो मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि मैं या मेरी पार्टी इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में अगर ये गौरीशंकर बिसेन जी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो अनुभव मुंजारे अपनी जान की बाजी लगा देगी, लेकिन गलत फैसला इनको करने नहीं देगी, क्योंकि 2013 में मैं चुनाव जीत गई थी, लेकिन गौरीशंकर बिसेन जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बना के उस जीते हुए मेरे चुनाव को मुझे 2500 मतों से हराया था। और लेकिन इस बार अनुभव मुंजारे की मैं गोली खाने को भी तैयार है, अपनी जान देने को भी तैयार है, लेकिन जनता जनार्दन ने जो फैसला किया उसको देखते हुए, उसका सम्मान करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने
तरीके से काम करें, सिस्टम से काम करें और जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें। और ये बार बार अगर लाइट गोल होती है तो ये बिल्कुल बहुत गलत बात है, बिल्कुल इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और मैं तो कहना चाहती हूँ जिला प्रशासन से कि आपको अगर दिक्कत है चलिए हम अपने निजी खर्चे पर वहाँ पर एक जनरेटर लगवा देते हैं, जो 24 घंटे हमारा एक टेक्नीशियन वहाँ पर रहेगा, वो जनरेटर में देखेगा, काम करेगा और इस तरह लाइट गोल नहीं होने दी जाएगी, ये भी हम कहना चाहते हैं। तो निष्पक्ष मतगणना हो और सही तरीके से जनता के जन जो फैसला किया, जनता का जो फैसला आया वो सही तरीके से सामने आए, इसके लिए हमने हमारे जो प्रदेश कार्यालय ने हमारे प्रमुख नेताओं ने मांग की है प्रदेश निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोग से कि इनको जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, चुनाव प्रक्रिया से तत्काल हटाया जाए, तभी निष्पक्ष मतगणना हो सकेगी। उस मामले में कहीं कोई कोताही वाला मामला? ऐसा बंटवारी महोदय, आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।